पांड्या को सताई बुमराह की याद, नेट्स में बुमराह के लिए किया ये, पांड्या का बुमराह को तोहफा। एशिया कप की शुरुआत 27 अगस्त से यूएई में होने जा रही है। आपको बता दें कि एशिया कप के शुरू होने से पहले भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अपने साथी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की याद सता रही है। जी हां, मंगलवार को हार्दिक पांड्या ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर की। इस वीडियो में ऑलराउंडर अपने साथी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन को कॉपी करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह के विकेट लेने के बाद जैसे वो जश्न मनाते हैं उसे भी कॉपी करते दिखाई दिए हैं। जरा एक बार आप ये फोटो देखिए। देखा आपने किस तरह से हार्दिक पांड्या अपने साथी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह के एक्शन को कॉपी करते दिखाई दे रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने भी हार्दिक पांड्या की इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि बॉलिंग एक्शन तो एकदम सटीक है लेकिन जश्न के पीछे का कारण आपके समझ से परे है। सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान केएलएन पोलार्ड और भारतीय ऑलराउंडर और हार्दिक पांड्या के ही भाई कृणाल पांड्या ने भी इस वीडियो पर रिएक्ट किया है। हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, केएलएन पोलार्ड और जसप्रीत बुमराह ये चारों ही खिलाड़ी 2021 तक मुंबई इंडियंस के साथी खिलाड़ी थे। लगातार इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी योगदान दिया है लेकिन 2022 आईपीएल के बाद ये चारों ही खिलाड़ी बिछड़ गए और अलग अलग टीम में दिखाई दिए। चलिए अब एशिया कप की बात कर लेते हैं। 2022 के एशिया कप में इस बार जसप्रीत बुमराह का भी योगदान होने वाला था लेकिन दिग्गज तेज गेंदबाज एशिया कप से पहले ही कमर की चोट के चलते बाहर हो गए। इस समय जसप्रीत बुमराह एनसीए बेंगलोर में हैं जहां पर वो अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं। सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही नहीं बल्कि साथी खिलाड़ी हर्षल पटेल भी चोट के चलते बाहर हो गए हैं। इन दोनों ही गेंदबाजों का एशिया कप की टीम इंडिया से बाहर हो जाना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था लेकिन अब कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस झटके से भी रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल टीम इंडिया ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है जहां पर नेट्स में हमें हार्दिक पांड्या दिखाई दिए। इस तरह की मस्ती टीम इंडिया में अक्सर देखी जाती है और जसप्रीत बुमराह का जैसा बॉलिंग एक्शन है उसे तो हर खिलाड़ी कॉपी करने की कोशिश करता है। जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन सिर्फ इंडियन खिलाड़ी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाड़ी भी कॉपी करते दिखाई दिए हैं। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के एक मुख्य तेज गेंदबाज हैं जिनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एशिया कप में तो सताएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।